हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग पूर्ण तैयार है। जिला जींद में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 9,48,726 मतदाता बनाए गए हैं एवं महिलाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर अमल करते हुए प्रत्येक विधानसभा में एक गुलाबी मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इस मतदान केंद्र में सभी कर्मी महिला होंगी। जिला चुनाव तहसीलदार रवि शर्मा ने रविवार को मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए बताया कि जिला में कुल 1,005 मतदान केंद्र हैं, लेकिन वर्तमान में मतदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण 9 और मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसके पश्चात जिले में कुल 1,014 मतदान केंद्र बन जाएंगे। उन्होंने बताया कि 64 मतदान केंद्र संवेदनशील एवं 93 असंवेदनशील माने गए हैं, तथा उचाना विधानसभा में 5 मतदान केंद्र ऐसे माने गए हैं जो कि नाजुक हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर मुहैया करवाई जाएगी, ताकि दिव्यांग मतदाता और मतदान करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श बूथ भी बनाया जाएगा। जिला जींद में 5 निर्वाचन क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें 34 जुलाना, 35 सफेदो, 36 जींद, 37 उचाना कला और 38 नरवाना। 38 नरवाना रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र है और 500 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1,005 पोलिंग स्टेशन पहले बने हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, और अब मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण 9 मतदान केंद्र सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने हैं। तो अगले अभी इसके लिए हमने प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन को भेजा है। 9 मतदान केंद्र और बनने के बाद टोटल अब हमारे 1,014 मतदान केंद्र जिले के अंदर हो जाएंगे, और इसके अंदर जो पोलिंग स्टेशन है हाइपर सेंसिटिव लगभग हमारे 93 पोलिंग स्टेशन ऐसे जो हाइपर सेंसिटिव है, और 64 मतदान केंद्र सेंसिटिव है। इनके अलावा 5 बूथ ऐसे भी है जो क्रिटिकल है, जिनमें बहुत अधिक संख्या में मतदाताओं ने वोट डाले। अब इलेक्शन के दौरान जो विधानसभा चुनाव है, उसमें एक मतदान केंद्र महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बनाया जाएगा, और एक आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित किया जाए, जो जैसे पहले पिछले विधानसभा और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था। और इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए पिछले चुनाव के दौरान कमीशन की हिदायत अनुसार व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई थी हर मतदान केंद्र पर, इस बार भी सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर मतदान उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसी दिव्यांग को या ऐसे आदमी मतदाता को दिक्कत ना हो जो चलने फिरने में असमर्थ हो। इसके अलावा लगभग 81% मतदाताओं ने वोट डाली थी, जो कि एक अच्छा प्रतिशत है। इससे पिछले 2009 के चुनाव के दौरान ये प्रतिशत बहुत कम था, और ये देखने में आया कि अब की बार शहर की जो निर्वाचन क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, उसमें भी मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। हमारी 543 मतदान केंद्र लोकेशन है, भवन है मतदान केंद्रों के, और लगभग 9.5 लाख के करीब मतदाता है, 9,48,726, इसमें 5,12,000 मेल इलेक्टर है और 4,35,853 फीमेल इलेक्टर है। तो कुल मिला के महिलाओं और पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत भी अनुमान के अनुसार है। डिस्ट्रिक्ट का जो इलेक्टर पॉपुलेशन है 65.9 है, और GDR जेंडर रेशो जो है 850 है, जबकि स्टेट की EPR जो है 65% निश्चित की है। तो इस हिसाब से हमारा जिला जो है EPR के मामले में और GDR के मामले में पूरे स्टेट के हिसाब से अच्छे प्रतिशत में है। थैंक यू, धन्यवाद।
अर्थ प्रकाश के लिए जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।